दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से क्यों पूछा पीएम उम्मीदवार का नाम? क्या 2019 में बीजेपी से नरेंद्र मोदी या राजनाथ होंगे पीएम उम्मीदवार? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में बीजेपी के सीनियर नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। सुषमा के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है, साथ ही 2019 के लिए पार्टी के पीएम उम्मीदवार का नाम भी पूछा है। दरअसल एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उछाल दिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। असल में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव कौन बनेगा करोड़पति बन गया है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन मुख्यमंत्री बनेगा? राजनाथ के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्गी राजा ने 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे या राजनाथ सिंह? राजनाथ जी की भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं गठबंधन को मौजूदा राजनीति के लिए जरूरी बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि गठबंधन की राजनीति देश के लिए जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है। उन्होंने कहा कि देश के हित में गांधी की विचारधारा ही काम करेगी, पंडित नेहरू की विचारधारा काम करेगी, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा काम करेगी, काशीराम की विचारधारा काम करेगी, लेकिन गोडसे और गोलवलकर की विचारधारा काम नहीं करेगी। वही गठबंधन की संभावना धूमिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं मायावती का बहुत सम्मान करता हूं और अखिलेश मेरे बेटे समान हैं। मुलायम सिंह जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। हम चाहेंगे कि इनके साथ विचारधारा का गठबंधन हो। अब 2019 में बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार कौन होगा ये तो साफ है, लेकिन गठबंधन को लेकर उनकी अपील का मायावती और अखिलेश पर क्या असर होता है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।